नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों, अब नए आईपीओ आ रहे हैं आगे 2 से 3, और वहां पर एक बहुत ही छोटी अमाउंट का आईपीओ आ रहा है। काफी कम सुनने को मिलता है इतनी छोटी अमाउंट का जब आईपीओ इश्यू होता है। तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे क्या ग्रोथ हो सकती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, और साथ में कंपनी के रिस्क क्या है। क्योंकि जब एक साथ 2 से 3 आईपीओ आते हैं तो ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बेटर रहेगा। ऐसा तो बहुत कम होता है कि तीनों में पैसे लगा दिए जाए, वो काफी रिस्की भी होता है अगर कोई अच्छा आईपीओ परफॉर्म नहीं किया तो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो पहले हम कंपनी का बिजनेस जान लेते हैं कि क्या करती है कंपनी, फिर उसके बाद देखेंगे कि आईपीओ का इशू प्राइस क्या है, जैसे हमारा पुराना स्टाइल रहता है। क्योंकि कंपनी अगर अच्छी लगी हमें बिजनेस के हिसाब से, तभी हम आईपीओ में इशू करने की सोचेंगे। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। यानी जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस सप्लाइंग कंपनीज है, उनके लिए जो पाइपलाइंस बनती है ताकि सप्लाई हो पाए उनकी नेचुरल गैस या फिर ऑयल, वो सब कंपनी संभालती है उनका। और यहाँ पर कंपनी साथ में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी करती है। यानी जब पाइपलाइन लग जाती है तो कुछ टाइम में कहीं ना कहीं खराबी जरूर आती है, तो उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस करके भी कंपनी अपना कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। और यहाँ पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इनके मेन क्लाइंट्स हैं। तो 16 स्टेट्स और साथ में 2 यूनियन टेरिटरीज में इनके बिजनेस की प्रेजेंस है, और 600 किलोमीटर की ऑयल एंड गैस पाइपलाइन नेटवर्क ये पिछले 5 सालों में बना चुके हैं। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, पहली कंपनी है जिन्होंने ट्रांस नेशनल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाती हुई पाइपलाइन नेटवर्क बनाया है। और वहां पर इंडिया से नेपाल जाती हुई जो पाइपलाइन बनी थी वो इन्हीं कंपनी की तरफ से बनाई गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। तो कंपनी के फिलहाल के ऑर्डर बुक देखे तो देखिए लैक्स में रखे तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो पाइपलाइन आगे जो बनने वाली है उनके 23 प्रोजेक्ट है इनके पास। उनकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू अभी आ रही है 60,325 लाख, यानी तकरीबन 603 करोड़ रुपए, और इनकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वैल्यू का 91% है ये। और वहीं पर ऑपरेशन और मैनेजमेंट सर्विसेज में 3 प्रोजेक्ट है इनके अंदर, जो पहले प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनमें एडिशन करना या कुछ मेंटेनेंस करना, वैसे 3 प्रोजेक्ट है। और वहां पर कंपनी 58 करोड़ की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वैल्यू है। तो आगे आने वाले टाइम में कंपनी के पास ऑलरेडी काफी ऑर्डर्स हैं। अब हम देखेंगे कंपनी की पहले के रेवेन्यूज का रहे हैं, उससे हम ये नंबर कंपेयर करेंगे, 603 करोड़ क्या बड़ा है कंपनी के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन से, या फिर काफी छोटा है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो देखें 2016-17 में 99% से ज्यादा इनका रेवेन्यू सिर्फ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आता था, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस से 0.51। पर आगे बढ़ते बढ़ते पाइपलाइन का परसेंटेज कम हो गया और ऑपरेशन मेंटेनेंस का ज्यादा परसेंटेज हो गया। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि जैसे समय आगे बढ़ता रहता है तो मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए होती है इन प्रोजेक्ट्स में, तो इन कंपनीज को बार बार रिकॉल किया जाता है कि आप सर्विसेज करो, एडिशन करो इसमें। अगर कोई ऑलरेडी पाइपलाइन बनी है वहां से कोई जंक्शन देना है तो वो भी ये कंपनी करेगी, इसलिए ये आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी इस नंबर में। तो यहाँ आप कंपनी का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं बिजनेस का, और दोस्तों काफी लंबा काम होता है पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग का, इसलिए आप देख सकते हैं इन कंपनी के जो डेप्टर डेज होंगे, यानी काम शुरू करने से पैसा मिलने तक, वो काफी ज्यादा होंगे नॉर्मल कंपनी से कंपेयर करें तो। तो यहाँ पर प्री एग्जीक्यूशन स्टेज में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कंपनी अपने टेंडर सबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है अथॉरिटी को, और वहां पर टेंडर सबमिट करने के बाद जब ऑर्डर मिल जाता है कस्टमर से, फिर एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज, यानी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले कंपनी के काम होते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, वहां पर मशीनरी और मैन पावर को इंक्लूड करना, यानी जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगेंगे साथ में लोग लगेंगे, लेबर लगेंगे काम करने के लिए, वो सब इकट्ठा करना, और साथ में लिस्ट बनाने के क्या क्या मटेरियल, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा आगे काम करने में। फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर पहुंचता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन साइट पर पहुंचते हैं, और वहां पर सारे मैकेनिकल काम, सारे सिविल वर्कर काम आगे किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। उस पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड कर देती है फाइनल सबमिशन, और वहां पर उनकी पेमेंट रिसीव हो जाती है। और उसके बाद पोस्ट एग्जीक्यूशन स्टेज, यानी यहाँ पर फिर कंपनी का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का काम शुरू होता है जब प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं काफी हेक्टिक काम है, काफी समय लगता है इनके काम में, पर वहां पर अगर कंपनी के पास ऑलरेडी काफी सारे ऑर्डर्स हैं तो यहाँ पर फायदेमंद बात हो सकती है। तो चलिए अब फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी के रिपोर्ट देख लेते हैं। वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट तकरीबन 10 करोड़ के हैं, लैक्स में दर के हम फिर से करोड़ में कन्वर्ट कर बात कर रहे हैं, रेंज में चल रहे हैं लगभग पिछले 2 साल से, लेकिन ओवरऑल आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। टोटल नॉन करंट एसेट्स है कंपनी के पास 1500 करोड़ के, यानी वो एसेट्स जिनकी वैल्यू अभी कंप्लीटली अभी बताई नहीं जा सकती, आगे जाते जाते उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। करंट एसेट्स की बात करें
तो इन्वेंटोरीज 18 करोड़ की है कंपनी के पास। उसके अलावा बड़ी अमाउंट में देखो कैश है कंपनी के पास 70 लाख का, और बैंक बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को हटा दें तो 12 करोड़ का है कंपनी के पास। और ओवरऑल करंट एसेट्स की बात की जाए तो 66 करोड़ के करंट एसेट्स हैं, और टोटल एसेट्स कंपनी के 82 करोड़ के हो जाते हैं, जो अगर 2 साल में देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। लाइबिलिटीज की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है कंपनी के पास 86 लाख की, और वहीं पर करंट लाइबिलिटीज में सबसे बड़ा अमाउंट हमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स में देखने को मिल रहा है। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज हो जाते हैं कंपनी के 23 करोड़, और यहाँ पर अगर आप इक्विटी को ऐड कर दें तो कंपनी के टोटल एसेट्स के बराबर हो जाती है लाइबिलिटीज 82 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं जो करंट लाइबिलिटीज है कंपनी की 23 करोड़, वो करंट एसेट से काफी कम है, करंट एसेट 66 करोड़ के हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू की बात की जाए कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आप देखिए सारे अमाउंट्स लैक्स में दोबारा, तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का 108 करोड़ होता था 2017 ईयर एंडेड में, 18 में 88 करोड़, 19 मार्च तक 140 करोड़ ऑलरेडी हो रहा है सेप्टेम्बर 2019, यानी 2 क्वार्टर लगा लीजिए आप, वहां पर 72 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें लास्ट 2019 ईयर में एक अच्छा जंप देखने को मिला है रेवेन्यू में। और वही कच्चा देखा जाए तो कंपनी का फिलहाल 61 करोड़ का हुआ है 72 करोड़ के रेवेन्यू के बदले, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का लगभग 10 करोड़ का हो चुका है। और ईयर एंडेड की बात करें तो मार्च 2019 में 25 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था, जो पिछले 2 साल से काफी ज्यादा है, लगभग डबल के ज्यादा है। तो टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 2019 ईयर एंडेड में कंपनी का 17 करोड़ का ऑलरेडी रह चुका था, और इस साल 6 महीने में ऑलरेडी 7 करोड़ का आ चुका है। तो उम्मीद है कि आगे के 2 क्वार्टर के जब नंबर सामने आएंगे तो ये नंबर हमें आगे जाता दिखेगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 15.93 2018 में इंक्रीज होकर 39.68 हो गई, तो काफी हेल्दी नंबर है। देखिए लास्ट 2 ईयर में अच्छा जंप देखने को मिला है, मैं अगर ये लेवल मेंटेन करके रखती है कंपनी तो भी काफी ग्रोथ के पोटेंशियल है। तो चलिए इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडस्ट्री में क्या हिस्सेदारी है बाकी कंपनी से, तो क्रूड पाइपलाइन नेटवर्क में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 50.88% है पाइपलाइन नेटवर्क कि आधे से ज्यादा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ही है। वहीं पर OIL का 11.45%, ONGC का 12% के आसपास, और बाकी का 25% के अंडर आ जाते हैं। तो देखिए काफी मेजर प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इस बिजनेस में, जहां पर अदर्स में अभी फिलहाल ये कंपनी आती दिखाई दे रही है जिसका IPO की हम बात कर रहे हैं। और आगे की ग्रोथ बताई जा रही है, देखिए 2012-13 में 242.6 डिमांड रहती थी, जो इंक्रीज होकर 2020 तक 465 होगी, लगभग डबल हो चुकी है। और आगे उम्मीद बताई जा रही है कि अगले 10 साल में ये नंबर भी डबल हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर हम देखा जाए तो काफी स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 10 साल में लगभग डबल होते हैं इनके ओवरऑल डिमांड्स। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो वहां भी आप देखेंगे IOC का 51.23% शेयर है, HVCL का 18% से ऊपर है, BPCL का 12% और OIL का 3.68%, यानी अदर्स के लिए सिर्फ 13% की जगह बच जाती है जहां पर काफी सारी कंपनीज प्रेजेंट है। काफी बड़ा एंट्री बैरियर है छोटी कंपनीज के लिए कि ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनीज प्रेजेंट है, और ऐसा नहीं कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रोज चलता रहता है, वहां पर जगह से दूसरी जगह अगर बन गया तो काफी टाइम तक वहां बना रहेगा। तो नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, नए स्टेशंस बनने चाहिए जहां पर नेचुरल गैस की डिमांड चाहिए। तो आपको यहां पर ग्रोथ के लिए सिर्फ ये देखना है कि ऑयल और नेचुरल गैस की डिमांड्स कैसे बढ़ रही है, और उसके बाद आपको देखना है किसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो चलिए हमने ओवरव्यू तो देख लिया कंपनी का, अब देखते हैं IPO की डिटेल्स क्या है। तो IPO 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, बुक बिल्ट इशू टाइप IPO है, इश्यू साइज होगा 51 लाख शेयर्स का, अमाउंट आप देख सकते हैं 61 करोड़ के आसपास की अमाउंट है बस। तो आप देख सकते हैं काफी छोटी अमाउंट का IPO है, जहां पर हाल ही में अभी 3000 करोड़ के IPO सामने आते दिखाई दे रहे हैं, और सारे शेयर्स फ्रेश इशू होंगे, फेस वैल्यू 10 होगी, IPO का प्राइस होगा 117 से 120। तो छोटे प्राइस की वजह से काफी लोग इसमें एंट्री ले लेंगे, लेकिन आपने अभी बिजनेस देखा कि काफी स्लो ग्रोइंग बिजनेस है, कंपनी के पास ऑलरेडी अच्छा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, पर वो कंप्लीट होते होते काफी टाइम लग सकता है। वहां पर कंपनी रिस्क बताए कि अगर ड्यू डेट से पहले नहीं दिया गया तो पेनल्टी लगेगी, तो काफी रिस्की बिजनेस तो जरूर है, इसलिए इसमें आपको लगातार अपडेटेड रहना होगा इस बिजनेस के कंडीशन से। मार्केट लॉट है 125 शेयर्स का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप 125 शेयर्स के लगा सकते हैं, और लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी। तो 1 अक्टूबर को खत्म होने के बाद बिड अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को आ जाएगा, रिफंड 8 अक्टूबर को मिल जाएंगे जिनको शेयर्स नहीं मिले, और डीमैट अकाउंट में शेयर्स जिनका अलॉट हो चुके हैं वो 9 अक्टूबर को मिल जाएंगे।
साथ में आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 12 अक्टूबर 2020 को। तो ये थी डिटेल्स आईपीओ की, देख सकते हैं आप मिनिमम 15,000 रुपए के ले सकते हैं आप 125 शेयर, मैक्सिमम 1,625 शेयर ले सकते हैं 1,95,000 रुपए के। और प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 99.96% है फिलहाल, आईपीओ के बाद 74.11% हो जाएगी। रेगुलेशंस है जिनमें 75% या उससे कम होनी चाहिए प्रमोटर की लिस्टिंग होने के बाद, तो वो नंबर हमें देखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड पूरा एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।